अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं हफीज़ और आप देख रहे हैं गुलाब डिजिटल टीवी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इको मैक रिकॉर्डिंग कहां से डाउनलोड करें और इको मैक रिकॉर्डिंग की सेटिंग करके अपनी आवाज़ को बहुत ही अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो का असल मकसद क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon. Get notified directly for latest uploads. सबसे पहले दोस्तों, आपने अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। जैसे कि मेरे पास प्ले स्टोर अवेलेबल है तो आपके पास भी प्ले स्टोर होगा। तो ओपन करता हूँ और इस पे मैं लिखता हूँ इको मैक रिकॉर्डिंग। तो प्यारे दोस्तों, मैंने इको मैक रिकॉर्डिंग पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो आप भी अपना इको मैक रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास इको मैक रिकॉर्डिंग है, तो हम इसे ओपन करेंगे। तो आप ये ओपन कर लेना। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इको मैक रिकॉर्डिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग दिखाई देती हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें क्लिक करना है और इको मैक रिकॉर्डिंग की सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर सेटिंग है, हम सेटिंग पर क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद प्यारे दोस्तों, ये जो भी है यहाँ पर, ये ऑफ होगा तो आपने इसे ऑन करना है, और ये भी ऑफ होगा, इसे भी ऑन कर लेना है। तो जैसे कि मैंने ऑन कर लिखे हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें एक और काम करना है। नीचे है इको वॉल्यूम, तो इको वॉल्यूम को हमने चेक करना है कि हमारा इको वॉल्यूम कहाँ पर सेट है। तो प्यारे दोस्तों, हमारा 30% पर इको वॉल्यूम सेट है, तो हमने 30% पर ही इसको सेट रखना है। तो नीचे जो है हमारा इको ढलाई, इको ढलाई को दोस्तों हमने चेक कर लेना है कि ये कहाँ पर है। तो प्यारे दोस्तों, ये 0.3, हमें इसको 3 सेट पे कर लेना है ताकि हमारा इको रिकॉर्डिंग सही काम करे। तो प्यारे दोस्तों, चलिए हम आपको अब दिखाते हैं कि इको रिकॉर्डिंग कैसे करता है। उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, या फिर ये कह दो कि दिल की लगी का बहाना हुआ, या फिर ये कह दो कि चाहत का अपना फसाना हुआ। जागी जागी सोई सोई लगता है अखियां ये रोई, लेकर ये नाम हमारा, आ हा हा हा, आ हा हा हा। ना जाने कैसी कैसी है ये जिंदगानी, जिंदगानी हमारी तो यहाँ पर ये सॉन्ग खत्म होता है। आपको चेक करने के लिए एक रिकॉर्डिंग में हमने ये सॉन्ग रिकॉर्ड किया था। तो चलिए आप भी अपना वॉइस को इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो डुप्लम रिकॉर्ड इस तरह से अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी वॉइस बना सकते हैं। अगर प्यारे दोस्तों आप चाहें तो अपना डायलॉग भी बना सकते हैं। इको रिकॉर्डिंग की ढलाई को आप ऊपर नीचे करके अपने वॉइस को डायलॉग में भी तब्दील कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग देखी, और रिकॉर्डिंग को आपने सेव कैसे करना है यहाँ पर आपको हम बताते चलें कि आपने अपने मोबाइल की गैलरी में इस रिकॉर्डिंग को सेव कैसे करना है। यहाँ पर एक स्टार है, पहले ये नीले रंग का होगा, जैसे कि यहाँ पर ब्लू रंग है तो यहाँ पर ऐसे ही होगा। तो फिर आपने इसको क्लिक करना है तो ये रेड कलर में बदल जाएगा, और जैसे कि रेड कलर आ जाता है तो आपने यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करते ही ये जो रिकॉर्डिंग है, यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग सेव हो चुकी होगी। तो यहाँ पर आपने देखना है रिकॉर्डिंग्स पर क्लिक करके, और जैसे कि रिकॉर्डिंग्स पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि अभी अभी जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी वो यहाँ पर सेव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग सेफ है। तो आप चाहे यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग को टाइटल भी दे सकते हैं। यहाँ पर पेंसिल के ऑप्शन में सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपनी रिकॉर्डिंग को टाइटल देना है। तो हमने रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक किया, फिर पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक पर जैसे कि जो हमने गाना गाया वही हमने नाम दे देना है। जैसे कि हमने ये गाना गाया है, ना जाने कैसी
ना जाने कैसी ये है ये धीरे धीरे निकाली। तो फिर दोस्तों आप भी अपने वॉइस को ऐसे नाम देकर यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और सेट करने के बाद यहाँ पर सेव का बटन है, आप सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग सेव हो चुकी होगी। तो आपने इसे क्लिक करना है और ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये रिकॉर्डिंग सेव अपनी गैलरी में होना शुरू हो जाएगी। तो ये अपने मोबाइल की गैलरी में सेव हो रही है। तो तब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग अपनी गैलरी में, मोबाइल की गैलरी में सेव हो चुकी है। और आप जाकर अपनी गैलरी से इस वॉइस रिकॉर्डिंग को डायलॉग में बदलें, या फिर अपने वीडियो के ऊपर इस वॉइस रिकॉर्डिंग को लगाएं, या फिर सॉन्ग को आप जहां भी लगाना चाहें, अपने टिकटॉक वीडियो के लिए, अपने फेसबुक वीडियो के लिए, आप जो भी वीडियो बनाना चाहें आप उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से आप अपनी रिकॉर्डिंग को लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद हुई होगी तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।